Hello students, today we will study in this video a poem, Wind. Wind is originally written in Tamil by Subramanya Bharati and later it is translated into Hindi by A.K. Ramanujan. And students, wind is a natural phenomenon. In this poem, the poet talks to the poet. He says that wind is destructive and weak people break down, and on the other hand, strong people emerge out more stronger. So let's discuss. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Dear, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. Here the poet talks to the wind. Wind से poet बातें करता है कि wind थोड़ा धीरे चलो. लोगों की खिड़कियां मत तोड़ो. Papers को इधर उधर मत फैलाओ. जो shelf पे अच्छे से books रखी हैं, उनको इधर उधर मत गिराओ. वो देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने वो सब कुछ नीचे गिरा दिया. तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए. टोर मीन्स फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन. अरे हवा, तुम फिर से बारिश लेके आई हो. ये सब चीज़ें पोइट जो है वो विंड से कह रहा है. ठीक है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. पोकिंग्स मीन्स किसी का मजाक उड़ाना. वीकलिंग मीन्स वीक पीपल. तुम बहुत चलाकी से जो वीक लोग हैं उनका मजाक बनाती हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. मीन्स फ्रेल मीन्स वीक. जो कच्चे घर होते हैं, डोर्स होते हैं, राफ्टर्स होते हैं, वुडन राफ्टर्स, और लकड़ियों को तुम तोड़ देती हो. मीन्स क्रम्बलिंग बॉडीज. जो वीक पीपल होते हैं उनको तुम ब्रेक डाउन कर देती हो. जिंदगियों को तुम ब्रेक डाउन कर देती हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स. ठीक है. दिलों को भी तुम तोड़ देती हो जो कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल. द विंड गॉड विनोज. विनोज मीन्स विनोइंग. विनोइंग, डू यू नो वट इज द मीनिंग ऑफ विनोइंग? वेन वी सेपरेट कॉर्न फ्रॉम द हस्क, दैट मेथड इज कॉल्ड विनोइंग. और उस सब को तुम क्रश कर देती हो. ही वोंट डू वट यू टेल देम. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स. लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली. Practice to form the body. Here the poet says, यहाँ पे poet क्या कह रहे हैं कि अब तुम तो बहुत ज़िद्दी हो, मानती ही नहीं हो. अब तुमसे कौन क्या कहे, कोई तुमसे कुछ कह नहीं सकता. So वो लोगों से ही request करते हैं poet कि चलो अपने घरों को ही strong बनाते हैं. Wind तो रुकने वाली नहीं है. Let's build strong homes. कि हम अपने घरों को strong बनाते हैं, अपने जो डोर्स हैं उनको स्ट्रांग बनाते हैं. फॉर्म इन स्ट्रांग. डोर्स को भी स्ट्रांग बनाते हैं और अच्छे से बंद करते हैं उनको. ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली. उनको अच्छे से बंद करते हैं ताकि वो हवा से ना खुल जाए. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. और खुद को भी स्ट्रांग हमें रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. प्रैक्टिस करते हैं किसको स्ट्रांग रखने की? अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखने की. अपने होम्स को स्ट्रांग बनाते हैं और डोर्स को स्ट्रांगली क्लोज कर लेते हैं. ठीक है. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. और अपने हार्ट को भी हमें फर्म रखना है, स्ट्रांग रखना है. किसी भी सिचुएशन में हमें डगमगाना नहीं है. ओके. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अगर हम ऐसा करते हैं तो विंड भी हमारी फ्रेंड बन जाएगी. विंड जो है हमारी फ्रेंड बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. ठीक है.
जो विंड होती है, हवा होती है, वो वीक फायर्स मीन्स छोटी सी जो आग लगी होती है उसको बुझा देती है, मीन्स वीक पीपल्स को वो गिरा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर स्टोर एंड फ्लॉरिश, और जो स्ट्रॉन्ग फायर लगी होती है उसको वो और ज़्यादा फैलाती है, हवा लगने से आग बढ़ जाती है, लेकिन जो छोटी सी धीमी सी आग होती है उसको वो बुझा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें विंड से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए एवरी डे, हमें उसको प्रेज करना चाहिए। इट मीन्स कि हमें अपने को स्ट्रांग रखना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी हार्डशिप्स में हमें वीक नहीं होना है, अपना हार्ट ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक डाउन नहीं होना है। सो दैट वॉज द पोइम, थैंक यू।